हाई गाइज, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा सिंह, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, राजस्थान। सो जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नीट प्रिपरेशन जर्नी, दैट इज़ फॉर रिविजन। ओके, सो बात करूँ रिविजन की, तो सबसे पहले रिविजन हमारी पूरी नीट जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका रिविजन सही टाइम पर नहीं हुआ, आपने रिविजन सही से नहीं किया, तो आपने जितनी भी पढ़ाई पूरे साल की है उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, राइट? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नीट है उसमें सिलेबस कितना ज़्यादा वास्ट होता है। आपके पास अप्रॉक्स 100 चैप्टर्स होते हैं, और उन सभी 100 चैप्टर्स को आपके पास 3 घंटे में उन पूरा जो पूरा आपने पढ़ा है उसको अच्छे से उस पेपर में दिखा के आना, पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। सो वी गोना स्टार्ट द वीडियो, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोलॉजी। सबसे पहले अगर मैं बायो की बात करूँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन कब करना होता है, उसका सही टाइम क्या होता है। देखो, रिवीजन का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ है उसे आपने अच्छे से समझ लिया है, और अब आपको उस चीज़ को बार बार या तो याद करना है। अब याद करना दो तरीके से हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें तेज़ बोल बोल के याद होता है, राइट? वो बोल बोल के याद करने में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जैसे बात करूँ मेरी, तो मुझे बोल बोल के याद नहीं होता था इतना, तो मैं ना क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा लिख लिख के, मतलब चाहे से कोई रफ पेपर पे लिख लिया, कहीं और लिख लिया, तो आई यूज टू ट्राई कि मैं लिख लिख के याद करूँ। ओके, सो मैं उन स्टूडेंट की कैटेगरी में आती थी जो कि लिख लिख के याद करने में प्रीफर करते थे, कुछ लोग बोल बोल के। बट ये दोनों ही वेज हमारे रिवीजन के होते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन फिर उसी को बार बार सुनते हैं, सो दैट वो उनके माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रहती है मेमोरी में। ओके, सो बात करूँ रिवीजन की। रिवीजन आपको तब करना चाहिए जब आपने कोई चीज़ को अच्छे से समझ लिया। फॉर एग्जांपल, जैसे बात करूँ बायो में, अगर आपको बायो का रिवीजन करना है, तो देन आपने फॉर एग्जांपल आपको रिवाइज करना है चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या सही कॉन्सेप्ट है, राइट? आपको ये आना चाहिए कि आपको आई ईयर का क्या फंक्शन है, कैसे मैकेनिज्म है, कैसे है, उसमें साउंड वेव्स जनरेट होती है, राइट? सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा और देन आप रटे लगाए जा रहे हो, तो उससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा अपने एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझना है। आपको टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना है। एक बार आपने कोई भी चीज़ अच्छे से समझ ली ना, देन उसके बाद आपके लिए रिवाइज करना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रिविजन की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ओके, सो सबसे पहले अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना, देन उसके बाद फिर आप रिविजन के लिए जा सकते हो। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, एंड जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस है, आपको ये नहीं पता ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितनी जनरेट हो रही है, कौन सी ऑर्गेनल में हो रहा है, इसका प्लेस क्या है, और आप रट्टे लगाए जा रहे हो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के, तो फिर उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, राइट? तो सबसे पहले अच्छे से हर चीज़ को समझना है एंड देन उसके बाद फिर रिविजन पर जाना है। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ बायो। ओके, सो सबसे पहले बायो की बात करूँ, तो बायो में मेरा क्या अप्रोच था और मैंने कैसे रिवाइज़ किया था, और मैं बताऊँ आपको, तो मैंने जो मेरे टाइम पे जब मैंने नीट दिया था, नीट 2023, तो उसमें 100 अप्रॉक्स चैप्टर थे, तो मैंने अपने एग्जाम से 7 दिन पहले उन चैप्टर को लाइक 25 से 30 बार सारे अप्रॉक्स जो 100 चैप्टर्स थे उन सबको रिवाइज किया था। तो आई थिंक मैं आपको सही गाइड कर पाऊंगी अपने एक्सपीरियंस से। सो सबसे पहले बात करूँ बायो की, तो बायो के लिए मैं क्या करती थी, हर चैप्टर को मुझे, जब तक मैं अपने रिवीजन टाइम पे गई थी तब तक मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मतलब हर चैप्टर मेरा अच्छे से था, राइट? तो अब देखो, बायो में दो तरह के चैप्टर होते हैं, एक थोड़े ईजी चैप्टर, एक थोड़े हार्ड चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं ईजी चैप्टर की। जो ईजी चैप्टर है उनके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड, इन सबको NCERT से ही पढ़ना है, इनको किसी भी एक्स्ट्रा नोट से या किसी चीज़ से नहीं पढ़ना। ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन वो इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स है, एंड जो भी चैप्टर आपको आसान लगते हैं ना, राइट, जिसमें ज़्यादा थोड़ा लर्निंग का है और इतना अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कम है, तो देन उन चैप्टर को NCERT से याद करो। अब बात आते हैं थोड़ी सेकंड, जो थोड़े टफ चैप्टर्स होते हैं, तो टफ चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है कि जैसे बात करूँ रेस्पिरेशन, जो मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो उसमें काफ़ी सारी साइकिल्स थी, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, TCA है हमारे पास, यू नो, क्रैब साइकिल एंड ऑल दीज। तो उसमें क्या होता था कि मुझे उन्हें समझने में उनकी कितनी ATP जनरेट हो रही है, कौन सी जगह पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, ATP सिंथेसिस, लाइक ATP कहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, ऑल दीज थिंग्स। तो मैं क्या करती थी कि उसमें मुझे जिन भी चीज़ों में टफ लगती थी उनके लिए मैंने चार्ट्स बना रखे थे, राइट? मैंने क्या किया, आपने ग्लाइकोलाइसिस लिखा, उसकी जो अपनी वॉल थी उस पर स्टिक कर लिया, उस पूरी साइकिल को, TCA साइकिल को अपनी वॉल पर स्टिक कर लिया। ऐसे ही करके मुझे जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, उसमें आई एंड ईयर का जो मैकेनिज्म था उसे समझने में दिक्कत आती थी, तो मैंने उसके लिए अपनी वॉल पर था, तो उनकी जो भी
इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स मुझे लगते थे मैं उन्हें लिख लेती थी, राइट। सो ताकि मैं जो मेरे हार्ड चैप्टर है उन्हें मैं डेली पढ़ सकूँ। अगर जो ईजी चैप्टर है उन्हें एक दो दिन में पढ़ूंगी तो भी वो मेरे माइंड में रहेंगे लंबे समय तक। हार्ड वाले चैप्टर्स के लिए आई यूज़ टू डू दैट, ओके। एंड देन आफ्टर दैट बस ये रिविजन आपको NCERT से रिवाइज करना है। जो टफ चैप्टर्स है उनके लिए अगर नोट्स बनाना है, अगर आप रिफर करते हो तो यू कैन डू दैट। और अगर आपको चाहते हो कि डेली दिखे जो भी आपने चीज़ें मिस हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वॉल होती है उस पर आप स्टिक कर सकते हो। दैन जो चीज़ें आपके डेली दिखेगी तो आपके मतलब आपके माइंड में वो लंबे समय तक यू नो स्टिक रहेगी। तो वी ऑल नो दैट कि ऐसा ही होता है। देन नाउ कमिंग टू बायो में यही करना है, सिर्फ NCERT को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आप चाहते हो कि एक ये भी कर सकते हो आपकी है ना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक पेपर्स अगर आपका बायो हो गया है तो अभी से दो, अगर फुल नहीं हुआ है तो 11th का ऐसे करो कि एक दिन 11th का पूरा सिलेबस का मॉक पेपर दे दो जिसमें सिर्फ बायो ही हो, राइट, सिर्फ बायो के क्वेश्चन इंक्लूड करें, ताकि आपको पता तो चले कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है और आप कौन से चैप्टर में वीक हो, सो दैट कि आप उन्हें इंप्रूव कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको। एंड आई विल से कि आपको हमेशा अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हो तो ऑलवेज स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर योर एंटायर डे, और आपको फिर आप डेली भी बायो पढ़ पाएंगे आपको, क्योंकि बायो सभी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो उसे पढ़ने में हमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो आई थिंक लाइक अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, एंड देन आप फास्टली रिवाइज भी कर पाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको कैसे रिवाइज करना है। सो देखो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक से, और जो मुझे लाइक ईजी लगती है, और मुझे लगता है अगर आप उसे NCERT से पढ़ोगे ना तो आपके मतलब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, बिलीव मी। सो सबसे पहले बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना, आप NCERT लेना। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन जैसा चैप्टर है तो वो इतना आसान आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा टफ चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग, राइट, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले कोई भी टीचर के ऑनलाइन लेक्चर, या अगर आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वहाँ से पढ़ लो या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लो, राइट। उसके बाद नोट्स बना लो एक बार उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एक से दो बार, राइट। अब जब वो नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको लगे कि हाँ यार मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, अब बस मुझे थ्योरी ही याद करनी है, तो फिर देन जाओ NCERT पर जाओ, बार बार उसे लिख लिख के याद करो। अगर आप देखो इनऑर्गेनिक को याद करने का सिंपल सा तरीका है, NCERT लो, उसे हज़ार हज़ार बार भी लिखना पड़े डजेंट मैटर, लिखते जाओ जब तक आपके दिमाग में वो हर एक लाइन, क्योंकि आपने देखा था NEET 2023 का पेपर, उसमें मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसी लाइन तो पेपर में कभी भी नहीं पूछेंगे, एंड देन वैसी लाइन पूछ ली। बट मैंने NCERT इतने अच्छे से पढ़ी थी कि मेरे केमिस्ट्री में 167 स्कोर थे और मेरे कोई भी मतलब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। सो मैं आपको कह सकती हूँ आपको यही करना है, सिंपल सा तरीका है। देखो बार बार लिखोगे, आई नो इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो पढ़ लूँगा मुझे याद रहेगा, एग्ज़ाम पे टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप सब चीज़ें मगअप कर देते हो, बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपको रिमेंबर करने में। बट अगर आपने चीज़ को लिख लिख के याद किया तो देन आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो आसान ही है और मैं ये अच्छे से कर लूँगा, मतलब मुझे याद है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से सारे, ठीक। देन ऑर्गेनिक में आपको पहले ही बताया था नेमिंग रिएक्शंस के लिए क्या करोगे, अलग से जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस है नेमिंग वाली, राइट, नेमिंग वाली का क्या करना है, अलग से 10 से 15 पेजेस की कॉपी बना लेनी है, उसे बार डेली रिवाइज करो। ये चीज़ें डेली रिवाइज करने की होती है जो मैं बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स और जो शॉर्ट फॉर्मूलाज, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप डेली पढ़ सकते हो, राइट, तो इन्हें आपको डेली करना है। उसके बाद मैकेनिज्म भी आपको डेली, अगर डेली हो सके तो सही है, वरना 1 से 2 दिन में आप पढ़ सकते हो, ओके। तो नेमिंग रिएक्शंस हो गई, और फिर अब जो डेली मैकेनिज्म है वो आपको डेली पढ़ना है, एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए आपको बैक एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है, उनका भी रिविजन आपको डेली करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में वो सेम रिएक्शंस सेम टू सेम पेपर में आ जाती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। और इनऑर्गेनिक में भी बैक क्वेश्चन कर लेने, इंटेक्स अच्छे से करने, क्योंकि इंटेक्स भी कई बार सेम रिपीट होते हैं, तो जब आपका NCERT का क्वेश्चन सेम आ रहा था आपका वो गलत बिल्कुल भी नहीं होना, राइट। और रिवाइज पूरी करके जाओ, ऐसा नहीं कि NCERT पढ़ रहे हो तो बीच बीच में से छोड़ के, ऐसा नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है, राइट। एंड देन हाँ फिजिकल, तो बात करो फिजिकल की, फिजिकल में फॉर्मूला, जैसे अपन फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं, फिजिकल में फॉर्मूला शीट बनाओ, प्लस एक होती है कंसेप्चुअल शीट। अब आप ये बोलोगे ये क्या होता है, तो राइट, कंसेप्चुअल शीट में ये होता है कि आपके सारे कंसेप्ट लिखे होते हैं, मतलब कैसे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, मोल्स वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ मतलब थोड़ा टफ फॉर्मूला लग रहा हो ना, जैसे एक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट में अटक जाता हूँ, ऐसा कुछ, तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को ही लिख लो, ताकि, और एग्जाम से पहले उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाओ, ताकि जब वैसा क्वेश्चन आए
जैसे वो कॉन्सेप्ट जिसमें वो लग रहा हो, तो आपने एग्जाम से पहले अगर उसे पढ़ा होगा ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो अपन ने इनऑर्गेनिक के लिए तैयारी कर ली, ऑर्गेनिक के लिए कर ली और फिजिकल के लिए कर ली। देखो ना, रिविजन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी बुक पढ़नी है। पूरी बुक तो आप पहले ही पढ़ के आ रहे हो, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया ना एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले, जिन्हें आप रिवाइज कर सको और जो आपके मार्क्स सच में इंप्रूव करेंगे, वो यही सब चीज़ें होती है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन चीज़ों को भी बना के रखिए अपने पास, ताकि एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर पाए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाए, फिजिकल अपने नोट्स अच्छे से करने हैं। नोट्स आर इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, वो इंपॉर्टेंट होते हैं काफी। एंड या दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, मैकेनिज्म, नेमिंग रिएक्शन, इन्हें सब अच्छे से करके जाओ। ओके, नाउ कमिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का, दैट इज़ एक तो फॉर्मूला शीट तैयार करो अपनी, अच्छे से फॉर्मूला शीट, मतलब जितने फॉर्मूला हो सकते हैं, लाइक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है ना, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स का, कि है ना साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू वन, वहाँ से शुरुआत करनी है और जाना है मॉडर्न फिजिक्स तक, राइट। अपने पास कुछ भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना, ऐसा ट्राई करो कि मैं है ना 1000 फॉर्मूले तो लिख ही लूँगा, मतलब मेरी जो फॉर्मूला शीट होगी उसमें कम से कम 1000 से 2000 फॉर्मूले तो होंगे ही। और आपने देखा भी होगा कि अभी जब हमारा नीट का पेपर आया था, तो इसमें कितने सारे फॉर्मूला बेस्ड, कितने सारे यू नो यूनिट कन्वर्जेंस वाले थे। मतलब पेपर देखो, फिजिक्स का पेपर टफ नहीं आता, थोड़ा ट्रिकी आता है पेपर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे वैसी मिस्टेक ना हो। फिजिक्स में भी हम कई बार बायो जैसी मिस्टेक करते हैं, बायो जैसी मिस्टेक इन द सेंस कि क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा, राइट। उसमें पूछा तो कुछ और था, मैंने छोड़ दिया। और फिर सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला शीट्स हो गई रिविजन के लिए, कोशिश करो कि जो अपने नोट्स में जो कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, लाइक फिजिक्स में हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, आपको थोड़ा ब्रेन भी यूज़ करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन में, कैसे अप्रोच होता है। तो उसके लिए आप रिविजन जो वीडियोज़ होते हैं, राइट, अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, जिसमें टीचर्स PYQ सॉल्व करवाते हैं, वन शॉट्स करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा तरीका है रिविजन करने का। और मैं तो आपको ये कहूँगी, जब भी आप फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिवाइज इट विद अ टीचर, राइट। अब वो टीचर कोई भी हो सकता है, अलग पांडे सर, MR सर, या जो भी टीचर आप फॉलो करते हैं, एवरी टीचर इज ग्रेट, ओके, दे हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस देन अस, सो जो हमें गाइड कर सकते हैं बेसिकली। तो आप हमेशा ट्राई करें कि फिजिक्स एक टीचर के साथ रिवाइज करें, एक बार उन टीचर के साथ रिवाइज कर ली, दूसरी बार खुद से पढ़ो, देन तीसरी बार अपने नोट्स को पढ़ो, राइट। अपने जब आप इतनी बार चीज़ों को पढ़ लेते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, देन आपको लगता है कि हाँ यार मेरी फिजिक्स सही है। उसके बाद जाओ PYQs पे, PYQs हो गए, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर भी कर लो, वो भी काफ़ी अच्छी सोर्स है NCERT से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए, एंड देन उसके बाद फिर जाओ NCERT पे। तो इतने सारे स्टेप्स करने के बाद फिर जब आप देखोगे ना कि हाँ यार टाइम तो लगेगा इन सब चीज़ों में, बट देन उसके बाद जब आप फिजिक्स में रिवाइज करोगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को बहुत कुछ आता है फिजिक्स में और मेरी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो गई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सके तो आपको अपना फिजिक्स में मैक्सिमम ध्यान PYQs पे देना है, ओके। PYQs को कभी रटना नहीं होता, उन्हें अच्छे से समझ समझ के करना होता है। अगर आप उन्हें समझ समझ के करोगे, हर कॉन्सेप्ट पे ऐसे मतलब एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन कर लो एक जैसे ही, तो आपकी आई थिंक फिजिक्स में 70% मार्क्स आपके ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे सिर्फ PYQs करने से। तो PYQs बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, नोट्स अच्छे से करने, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, कंसेप्चुअल शीट्स बनाओ, हो सके तो इन अपनी जो वॉल होती है उस पर स्टिक कर लो, ताकि डेली दिखे, और डेली फॉर्मूलाज, शीट्स, जो शॉर्ट नोट्स उनका रिवाइज करो, ताकि आपके दिमाग में पूरा सिलेबस एक बार के लिए मतलब फिल्ड हो जाए कि हाँ यार मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है मेरा, और एग्जाम में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करना बता दिया हो, आपको समझ में आया हो, और जस्ट मेक श्योर कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, NCERTs को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा डेली करेंगे तो बिलीव मी आपका स्कोर पेपर में काफ़ी अच्छा आएगा, और आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट तो बिल्कुल मिल जाएगी, ओके। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ओके, सो इट विल लाइक मोटिवेट मी टू अपलोड मोर वीडियोज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन बाय।